Hello guys, welcome back. Now we are discussing another important problem. So in this question number 36, we have to find the length of this AB. So you can see AB is this line and we have to find its value. So the question is very easy, बहुत easy है. इसको कैसे करना है, सब कुछ आपको given है, उसी के accordingly we will start this question. सबसे पहले I would request you, आप इस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए, दैट इज योर पी ओ टी. तो इस ट्रायंगल पी ओ टी में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे, और वो क्यों भी आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है बेटा कि जो आपका ये जो रेडियस है और ये ओ पी नाम का रेडियस है और ये पी पे एक टेंजेंट है. तो रूल इज नोन टू यू कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के. तो आप यहाँ इस ट्राइंगल पे जब पाइथागोरस लगाएंगे तो इजीली आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज ऑफ दिस टेंजेंट पी टी का, जो कि 12 है. बहुत इजी कैलकुलेशन है, इसमें एज सच कुछ भी नहीं है. सिर्फ आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, आपको ये पता चल गया होगा कि ये 90 डिग्री है, तो इस पे पाइथागोरस लगना है इस ट्रायंगल पे. अब जब आप आगे देखेंगे तो इस फिगर में, अब देखिए ये एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है और दोनों का कॉमन पॉइंट है ए. तो यानी ए यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से ये आपके टेंजेंट ड्रॉ रहे हैं. और आपको पता है बेटा जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट निकलते हैं जहाँ पे ये ए आपका है, तो बेसिकली ये जो पी ई है और ये जो ई है, इन दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होगा और इसी को हमने यहाँ एक्स लेट कर लिया है. तो ये तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा. तो अगर ये एक्स और ये एक्स है और आपने देखा था आपका ये जो पी ए है, अगर ये पूरा हमने एक्स एज्यूम किया है और पी टी आपका पूरा 12 आया था, तो अगर ये एक्स है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ए टी होगा वो 12 माइनस एक्स होगा. ठीक है, ये कैलकुलेशन हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं क्योंकि इस पूरे की लेंथ हमें पता है, दैट इज 12. तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये 12 माइनस एक्स क्यों लिया गया है. दूसरा चीज, एक और चीज़ देखिए इसमें, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है भाई, अगर पूरा ओ टी 13 था तो ये रेडियस आपका यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये रेडियस 5 है तो गिवन है. और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, आई मीन ई टी का डिस्टेंस, अगर ये 5 है और ये पूरा 13 था तो ये आपका 8 हो जाएगा. तो उसी लॉजिक को हमने यूज़ किया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और ये जो सारी वैल्यूज़ आप देख रहे हैं ये उसी के अकॉर्डिंगली निकाली गई है जो कि डिस्कस किया है. नाउ द बिग पॉइंट, सर ये 90 क्यों बना? अब सर ये 90 इसलिए बना, अगर आप देख सकते हो ढंग से तो ये एक रेडियस है और ये जो लाइन यहाँ से जा रही है ये एक टेंजेंट की तरह कर रही है, और रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. तो अगर ये 90 डिग्री है तो डेफिनेटली लीनियर पेयर ऑफ एंगल से ये भी 90 बनेगा, और ये 90 बन गया तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस एंगल ई को हमने 90 डिग्री क्यों बनाया है. कोई टेंशन नहीं, अब लगाते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में. ठीक है, आपको पता है बहुत ईजी सा कैलकुलेशन है, ये आपका वो ट्राइंगल है जिसको आप ए ई और टी नाम दे रहे हो. आपको सारी वैल्यूज़ पता है, ये आपको 8 है, ये आपको पता चला ये भी 90 डिग्री आया है, तो इसके सामने वाला 12 माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, ये हमने देखा है भी, और इसकी वैल्यू आपने एक्स दी थी. तो जब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. और यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 144 में से 64 गया तो 80, ये 24 नीचे आ गया, 8 की टेबल में दोनों आते हैं, 8 से डिवाइड कीजिए तो ये हो गया आपका 10/3. ठीक है, यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं होगा इस क्वेश्चन.
दूसरा चीज, अब आपको क्या देखना है, अब आपको ये देखना है कि ये 20/3 क्यों हुआ। अरे यार, आपको पता है, आपको बताया गया है कि कोई भी अगर ये परपेंडिकुलर आप अगर यहाँ देख रहे हो, ठीक है, और ये सेंटर से आया है, तो ये आपके इस टेंजेंट को बाइसेक करता है, यानी इसको बराबर लेंथ में कट करता है। दिस इज वन ऑफ दी प्रॉपर्टीज। और अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है क्यों, तो देखिए ऐसा होता क्यों है, उसको भी समझते हैं। उसको समझने के लिए पहले आई एम रबिंग दिस फिगर फॉर यू, और मैं इसको करके दिखाता हूँ कि हम इसको एग्जैक्टली ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए, ये लाइन थी आपकी, ओ से चली, ये आपका टेंजेंट आपको दिखा था, ये ए है और ये आपका बी पॉइंट है। अगर मैं इन दोनों को यहाँ ज्वाइन करवा दूँ, ठीक है, तो आप ये देखोगे ये तो 90-90 डिग्री हो गया, ये आपका कॉमन आ गया, ठीक है। और जब आपने कभी क्वेश्चन को प्रूव किया था, इस थ्योरम को, तो आपने रियलाइज़ किया था ये डिस्टेंस भी सेम हो जाता है, तो उस प्रॉपर्टी से भी आप इन्हें बोल सकते हैं इनका लेंथ इक्वल होता है। हालांकि एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ करके दिखाने का नहीं नहीं है, डायरेक्टली यू कैन से कि योर ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए ई, सो आपका ये पूरा ए बी आया है बेटा, वो हो जाएगा 20/3। सो दिस इज़ आवर आंसर, हमें ये लेंथ चाहिए था, जिसका आंसर आया आपका 20/3। ठीक है, होपफुली क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।